यहाँ पे जो है एयरटेल 5G प्लस लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे कुछ 8 सिटीज हैं जहाँ पे लॉन्च हो चुका है। कौन सी वो 8 सिटीज हैं जहाँ पे लॉन्च हो चुका है उसकी पूरी लिस्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ और भी बहुत सारे यहाँ सवाल हैं इसको लेके, वो सब मैं आपको गाइस मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं इस न्यूज की तरफ जो कि काफी धमाकेदार न्यूज है। तो यहाँ पे जो है एयरटेल 5G प्लस लॉन्च हो चुका है, यहाँ पे जियो भी यार बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ठीक है। लेकिन जियो जो है सिर्फ 4 सिटीज में ही लॉन्च होगा और उसका भी कंफर्मेशन गाइस अभी तक नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे जो है एयरटेल 5G प्लस यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 सिटीज हैं जहाँ पे 5G प्लस लॉन्च हो चुका है एयरटेल का। तो यहाँ पे जो भी प्राइसेस जो 4G में आप देते थे वही 5G में देने वाले हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा सा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कुछ 19-20 का फर्क होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस गाइस नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ कि यहाँ पे पूरे इंडिया में गाइस कब तक लॉन्च होगा जियो और एयरटेल का 5G प्लान्स, तो यहाँ पे जो है गाइस कम से कम मार्च 2024 का यहाँ पे जो है टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गाइस इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा 5G को लेकर। क्योंकि यहाँ पे जो भी मेजर सिटीज़ हैं, जो भी अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, यहाँ पे क्या है यार टेक्नोलॉजी है 5G को अच्छे तरीके यूज़ करने की, लेकिन यहाँ पे जो है टाइम लग सकता है भाई जियो यहाँ पे जो है 5G पूरे इंडिया में लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी तक जो है न्यूज़ यही आई है। अगर कोई भी गाइस अपडेट होता है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे दूसरा सवाल गाइस ये आ रहा है, क्या आपको जो है 5G के लिए एक अलग से सिम लेनी पड़ेगी? यार एयरटेल ने तो अभी ये बोला है कि आपको जो है सिम लेने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है, आपके पास जो 4G सिम है उसी को कन्वर्ट करके आप जो है 5G में भी यूज़ कर सकते हो। उसका क्या प्रोसेस है वो भी अब तक गाइस कन्फर्म नहीं हुआ है। आप चाहो तो कस्टमर केयर पर फोन कर सकते हो या फिर कोई भी स्टोर पर जाके आप पूछ सकते हो कि आखिरकार यहाँ पे इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपको सिम चेंज नहीं करनी है, वही नंबर है, बस 4G से 5G आराम से हो जाएगा, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो आखिरी सवाल गाइस लोग मुझसे बहुत पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि हमारे पास यार 5G स्मार्टफोन है लेकिन यार 5G नहीं चल रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास 5G के फ़ोन हो लेकिन 5G वर्क ना करें, क्योंकि गाइस यहाँ पे यार कुछ अपडेट्स आपको जो है अपने फ़ोन को करने पड़ेंगे, अप टू डेट आपको अपना फ़ोन रखना पड़ेगा। अगर आपने अपना फ़ोन अप टू डेट रखा है तो ही यहाँ पे जो है 5G काफ़ी स्मूथ तरीके से वर्क कर रहा है और स्पीड भी अच्छी आने वाली है। तो मेक श्योर गाइस कि आपका फ़ोन जो है पूरे तरीके से अपडेट हो। सो गाइस ये थे यार कुछ सवाल और ये थी न्यूज़ जियो और एयरटेल को लेकर। तो गाइस ये था बढ़िया तरीके से न्यूज़ तो जो कि मैंने आपको गाइस दे दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं रोज लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में।